यानी आप अकॉर्डिंग टू आपने फोरहेड लेना है आईब्रो के मिड तक। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर बाल नहीं होते, जो बाल लीव कर रहे हैं वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आईब्रो के मिड तक बिल्कुल स्ट्रेट। मैं मुझे ड्रा भी करके दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट लेने के बाद सेम उसी तरह स्क्वायर में ये एक तो आपका पिवट पॉइंट होता है, उससे पीछे थोड़ा नैप एरिया होता है हमारा, नैप ये वाला पार्ट, ठीक है, जो आपका कर्व होना शुरू हो जाता है वो वाले में सेम ये सेक्शन आप इकट्ठे भी ले सकते हैं। इन दोनों सेक्शन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ये एंड तक स्क्वायर इकट्ठा भी ले सकते हैं, लेकिन इसको अलग अलग लेने का मकसद ये है कि आपकी फॉलिंग ज़्यादा नीट और अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है यहाँ से ही कान के बिल्कुल स्ट्रेट ये सीधा निकाल लिया है, तो ये देखिए आपके पास ये एक अलग से वाला सेक्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद इसी वाले जो एक चोरस का बॉक्स है उसी के यहाँ से जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है कान के पास बिल्कुल यहाँ तक एयर के पास एक पूरा सेक्शन निकाल लिया, तो ये भी अलग से एक सेक्शन क्रिएट हो गया। जो पीछे वाले बाल बचे हैं उनको हमने सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो क्लासिक फॉयल टेक्निक है बेसिकली वो सिर्फ ये है, ये वाले चार पार्ट्स ये हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो अभी जितनी भी टेक्निक्स आ रही हैं वो बहुत शॉर्ट टेक्निक्स आ रही हैं, तो इसी वजह से एक टाइम क्लाइंट के पास काम होता है, आपको बजट जो इश्यूज होते हैं, तो मेन ये सिंपल फोर पार्ट्स हैं जो आपने वर्क करने हैं। जैसे कल वाली टेक्निक को हमने सारा ओवरलैप किया था, सेम आज ही सारी ओवरलैप करेगी, लेकिन बहुत फाइन ये टेक्निक है जो हम विविंग लेंगे एक बिल्कुल जितना ओवरऑल हम आज काम करेंगे। कल हमने एक सीक्वेंस के साथ विविंग ली थी सिवाय इन तीन पार्ट्स के, ठीक है, यहाँ पे हमने बिल्कुल काम लिया था होगा एक सेक्शन का। अभी क्या होगा, आज एक थिन वेव होगा एक थिक वेव, एक थिन एक थिक। इस टेक्निक में बेसिकली आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइसिंग इस टेक्निक को मजीद हैवी बनाती है। मैं सिर्फ बता दूंगी करेंगे हम थिन और थिक वेव, दैट्स इट, एक बरीक वेव लेंगे एक थोड़ा मोटा वेव लेंगे फिर बरीक फिर मोटा, बस दैट्स इट, यही चीज़ें रिपीट होंगी। जो प्योर टेक्निक है उसमें थिन वेव थिक वेव फिर एक स्लाइस, फिर थिन वेव थिक वेव एक स्लाइस, जो प्योर टेक्निक है वो हम स्लाइसिंग उसमें स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हर मॉडल इतना बोल्ड कलर कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ये क्या होता है ऐसा लगता है जैसे प्रॉपर आपने कलर ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया है, क्योंकि बेस तो बचेगी नहीं, आप बैक टू बैक वेव ले रहे हैं, बैक टू बैक स्लाइसिंग अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है, क्या होता है स्लाइसिंग, स्ट्रेट फाइल लगानी होती है विदाउट वेविंग, वो थिक करती है ना आपके पार्ट को। कितनी एयर है कलर लगा हुआ फाइल में, क्लियर, हम इसलिए स्लाइसिंग मिस कर रहे हैं, आप स्लाइसिंग कर सकते हैं अगर आपने कर दिया, अभी आपको सामने करेंगे भी तो मजीद आपको जो है वो आइडिया होगा। मिनिमम तो आपको कम से कम 12-13 से ऊपर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट टेक्निक है, इसकी फाइलिंग बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, स्ट्रेट फाइल्स डायगोनल फाइल्स लगानी मुश्किल है, ये हॉरिजॉन्टल फाइल्स लगानी है जिस तरह से सोने की बात है, ठीक है, सारी इस तरह फाइल्स लगानी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट फाइल फाइलिंग्स। मैम थोड़ी मूव करके दिखाओ, और ठीक है ये फाइल इस तरह की रहेगी। मैम बेबी हेयर छोड़ देंगे आगे, बेबी हेयर छोड़ेंगे क्योंकि थिन वेव पहले बहुत फाइन है, बेस थोड़े बगैर में लगाए फ्रंट वाली बेस नहीं बेस नहीं छोड़ी मैं, ये ऑलरेडी वेविंग आ गई ना, बेबी हेयर भी हम छोड़ रहे हैं और वेविंग वाले बाल भी छोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये बचेगा, ठीक है। इसमें पहले वाले फाइल में कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती, जैसे हम गाय फाइल में सीक्वेंस रखते हैं प्रॉपर कि इतना ही होना चाहिए इतना ही गैप होना चाहिए, इसमें अकॉर्डिंग टू हेयर हमेशा लगाते हैं, तो ये फाइल इस तरह की रहेगी, ठीक है, सामने से जो आप डेली आते हैं वहाँ पर बातें निकाल। क्रीम ब्लॉन्ड आज हम यूज कर रहे हैं 30 वॉल्यूम के साथ, मिक्सिंग क्या है 1:1.5।
जब आपको स्ट्रेट फॉल्स लगाएंगे इजीली लगा लेंगे डायगनल, देन फिर आप उस पर आएंगे। मैम कल हमने तो वो पीछे नहीं, कल हमने सॉरी मैं वो, हाँ जी वो भूल गई, भूल ही नहीं हूँ।